हेलो स्टूडेंट, डॉली शर्मा फ्रॉम डॉली कोचिंग वन थर्ड। आज आपको इलेक्ट्रिसिटी में जो क्लास टेंथ का लास्ट टॉपिक है उसको फिर से बता रही हूँ। ये लास्ट टॉपिक है, इसके संग आप इसे पूरा रिवाइज कीजिएगा। ये एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट है। इसके बाद वाला जो वीडियो होगा वो मैं केमिस्ट्री का बनाऊंगी और उसमें आपको बेसिक्स बताऊंगी कि आप केमिस्ट्री को कैसे लर्न करूँ। तो मैं आपको फिर से रिक्वेस्ट करूंगी, वीडियो को पूरा देखिएगा। बहुत ज्यादा लेंथ नहीं होगी लेकिन आपके लिए बहुत ज्यादा फ्रूटफुल रहेगा। देखिए, जैसे कि मैंने इसमें लिख रखा है, इट इज यूटिलाइज इन द वर्किंग ऑफ इलेक्ट्रिकल हीटिंग अप्लायंसेस। तो अप्लायंसेस बेसिकली क्या है? आयरन है, कैटल है, टोस्टर है, ओवन है, हीटर्स हैं। तो इन सब में ध्यान रखिए, ऑल कंटेन्स कॉइल ऑफ हाई रेजिस्टेंस वायर मेड ऑफ नाइक्रोम एलॉय। ये एलॉय का नाम ध्यान रखिएगा और इसकी करेक्टरिस्टिक क्या है? हाई रेजिस्टेंस है, राइट। सेकेंड पॉइंट जो मैं आपको बता रही हूँ, इट इज यूज इन इलेक्ट्रिक बल्ब लैम्प्स फॉर प्रोड्यूसिंग लाइट। तो देखिये, इसमें जो हम चीज यूज करते हैं दैट इज टंगस्टन। टंगस्टन मेटल इज यूज फॉर मेकिंग द फिलामेंट ऑफ बल्ब। रीजन, इट हैज अ वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट। सेकेंड, इट्स हाई फ्लेक्सिबिलिटी। थर्ड, लो रेट ऑफ एवोपरेशन। फिर से देख लीजिए, अगर कहीं पे करेक्टरिस्टिक ऑफ फिलामेंट्स ऑफ बल्ब आएगी तो आप ध्यान रखिएगा हम जो मेटल यूज कर रहे हैं वो टंगस्टन है। पहली करेक्टरिस्टिक है, इट हैज वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट। सेकेंड, इट हैज हाई फ्लेक्सिबिलिटी। थर्ड, लो रेट ऑफ एवोपरेशन। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, ये क्वेश्चन अक्सर कंसेप्चुअल में आ जाता है कि बल्ब इज फिल्टर्ड विद अ केमिकली अनरिएक्टिव गैसेस। कौन कौन सी है? नाम ध्यान रखिएगा, आर्गन, नाइट्रोजन या फिर हम इसका मिक्सचर रखते हैं। सिंपल सा पॉइंट ध्यान रखिए, इन इलेक्ट्रिक फ्यूज फॉर प्रोड्यूसिंग हाउस होल्ड वायरिंग एंड इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस। ये जो हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट है इसका एक यूज भी ये भी है कि हम इलेक्ट्रिक फ्यूज बनाने में करते हैं। तो आप देखिए, इससे सेफ्टी हो जाती है हमारे हाउस होल्ड अप्लायंसेस की। नेक्स्ट पॉइंट में मैं आपको बता रही हूँ, a given current will produce more heat per unit time if the two resistors are connected in series than they are connected in parallel. तो उससे पहले एक और पॉइंट देखिए, अगर हम हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट की वायर बात करें, हीट प्रोड्यूस इन द वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द करंट। यानी एच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर होता है, एच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस एंड एच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट देखिए, अगर मैं आपसे कहूं कि करंट को डबल किया तो हीट जो है उसको आप ध्यान रखिएगा 2 का स्क्वायर यानी 4 टाइम्स हो जाएगी। आप यहाँ पे लिख सकते हो 4 टाइम्स। इफ वी डबल द रेजिस्टेंस, अगर हम रेजिस्टेंस को डबल करें तो एच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, आप लिख सकते हो 2 टाइम्स हो जाएगा। इफ वी डबल द टाइम तो एच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम, यानी आपका टाइम क्या हो जाएगा? 2 टाइम्स हो जाएगा, केवल इन केस ऑफ करंट। ये जो वैल्यू है वो स्क्वायर में होगी। इसी में अगर मैं बोलूं कि ऑल द थिंग्स आर 3 टाइम्स, तो देखिए करंट हो जाएगी 3 स्क्वायर, ये हो जाएगा 3 टाइम्स, रेजिस्टेंस डबल करने पर और टाइम डबल करने पर 3 टाइम्स। तो सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, करंट वाले केस में स्क्वायर है, रेजिस्टेंस में आर है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और टाइम में टी है, यानी 1 पावर है। जहां स्क्वायर होगा वहां आप उस डाटा का स्क्वायर कर दोगे, डबल में 2 का स्क्वायर, ट्रिपल में 3 का स्क्वायर और टेट्रा में 4 का स्क्वायर। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, जो मैं आपको भी बता रही थी वो ये, अ गिवन करंट विल प्रोड्यूस मोर हीट। ये पॉइंट ध्यान रखिएगा, गिवन करंट विल प्रोड्यूस मोर हीट पर यूनिट टाइम इफ द टू रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन सीरीज सेम देन दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल। सिर्फ फॉर एग्जाम्पल कंसिडर कर रही हूँ, सपोज हमने 2 रेजिस्टेंस लिए हैं, दोनों की वैल्यू सेम है, तो ये कॉम्बिनेशन आपका सीरीज है, इसको मैंने बैटरी से कनेक्ट कर रखा है। तो देखिए, इस केस में अगर आप आर टोटल निकालोगे तो फाइनली यू हैव गॉट 2 आर, और ये रेजिस्टेंस अगर मैं पैरेलल में कनेक्ट कर दूं तो यहां देखिए ये आर रहेगा, ये आर रहेगा। इसके लिए आर टोटल निकालने का तरीका मैंने आपको बताया था, दोनों रेजिस्टेंस को मल्टीप्लाई कीजिए और नीचे दोनों का सम करते हैं, यानी आर बाय 2। तो देखो, पैरेलल में जो रेजिस्टेंस की वैल्यू आ रही है वो हाफ हो रही है और सीरीज में वैल्यू क्या हो रही है? डबल। तो वही लैंग्वेज में लिखा हुआ है कि जब रेजिस्टेंस आपके सीरीज में कनेक्टेड होंगे
तो आपका हीट का जो कंजम्पशन है वो ज्यादा होगा, क्योंकि रेजिस्टेंस की वैल्यू डबल हो चुकी है, और जब वो पैरेलल में होंगे तो वो हाफ हो चुकी है, यानी कि कम होगा। तो इसी यही एक रीजन है कि ऑल द इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस आर कनेक्टेड इन पैरेलल। तो बस ये ध्यान रखिए, जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैं, आपका फैन है, बल्ब है, फ्रिज है, ये जितने भी चीजें हैं सबको पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्ट किया जाता है, सीरीज में नहीं। और उसका एक और बेनिफिट ये, एक तो हीट कंजम्पशन कम होता है, दूसरा यहाँ पर किसी एक के डिफॉल्ट होने पर पूरे सर्किट जाम नहीं होते। तो इस टाइप की और वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नहीं कर रखा है। वीडियोस की लेंथ बहुत ज्यादा नहीं है तो आपका बहुत ज्यादा कीमती वक्त नहीं ले रही, लेकिन आपको जो मिलेगा वो बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। आप चाहें तो केवल चैनल को सर्च कीजिए, सब्सक्राइब नहीं करना है मत कीजिए, लेकिन इनको पूरा पूरा व्यू कीजिए, जिससे आपको जो मैं बेनिफिट प्रोवाइड करने की कोशिश कर रही हूँ वो मैक्सिमम हो पाए। और अगर आप चाहें तो कमेंट कर सकते हैं, और वी आर रेडी फॉर एनी क्रिटिसिज्म, आप चाहें तो हमें क्रिटिसाइज भी कर सकते हैं। वी जस्ट वॉन्ट टू इम्प्रूव एंड ग्रो, नीड योर सपोर्ट। थैंक यू, शुक्रिया, जय हिंद।